दसवीं जमात के गणित विषय की इस क्लास के विच मेरे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों एक्सरसाइज असी जी कर रहे हैं वह है 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग। तो इसकी लगातारता दे विच ही असी अज करांगे सवाल नंबर 13, क्योंकि 12 सवाल असी कर चुके हाँ। उस तो पहला 7 एग्जाम्पल्स भी असी 7 वक्रे वक्रे वीडियोज़ के रूप में अपलोड की हुई हैं। 12 और 7 हुण तक असी 19 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, साढ़े 4 वीडियोज़ बाकी है। अज असी जिहड़ा वीडियो करांगे उहदा सवाल का नंबर है 13, 13वां सवाल असी करांगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा दोस्त विनोद ते तुसी देख रहे हो यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द प्रैक्टिकल। समुंदर तल तो 75 मीटर उच्चे लाइट हाउस के शिखर तो देखने नाल दो समुद्री जहाज़ों के निवान कोल 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। जेकर लाइट हाउस के एक ही पासे तो जहाज़ दूसरे जहाज़ के बिल्कुल पिछे होवे तां दोवें जहाज़ों के विचकारली दूरी पता करो। सवाल औखा नहीं है, लेकिन फिर भी असी चित्र की सहायता दे नाल समझते हैं। देखो बेटो, बच्चों चित्र तो असी देख रहे हैं कि ए बी सी एक त्रिकोण, ए बी डी दूसरी त्रिकोण, ए 75 है ये असी मान लिया एक्स। तो मैं लगता है कि असी ज़्यादा औखा नहीं है ये, बस इन चित्रां दे विच तुसी त्रिकोणा ही लभनियां ने दो। अगर तुसी दो त्रिकोणा फाइंड आउट कर गए तो समझ लो तुहाडा अद्धे नालों वध सवाल जिहड़ा है निकल गया। अगर 30 डिग्री का निवान कोण है तो इस हिसाब नाल उचान कोण भी डी तो किन्ना बनेगा 30 दा। अगर 45 का निवान कोण है तो इतों उचान कोण सी तो किन्ना बनेगा ए तक का 45 का। तो आओ बच्चो असी शुरू करिए। मान लो दो जहाज़ों के विचकारली दूरी सी डी है और उहदा नाम असी पा लिया एक्स, क्योंकि जिहड़ी चीज़ असी कढ़नी है उसे मान लैंदे हां। आओ त्रिकोण देखिए कि समकोण त्रिकोण ए सी बी विच इहदे विच की है। जिवें देखण तों पता चल रहा है कि अगर ये 75 है, कोण 45 का है, इहदा मतलब कि यह भी किन्ना होएगा 75 मीटर ही होएगा, 75 मीटर ही होएगा। मैं पहला भी तुहानूं दस्सिया कई बार कि जदों कोण 45 का होवे तो इन्हां दोनों की जिहड़ी दूरी है वह मतलब कि डिस्टेंस बराबर आंदा है, लंब के आधार दोनों बराबर आते हैं। देखते हैं, लिख के असी करते हैं इस गल नूं। टैन 45 डिग्री बराबर है ए बी बटा बी सी, मतलब कि लंब बटा आधार। तो टैन 45 डिग्री का जिहड़ा मुल है तुसी सारे जानते ही हो, वह एक होंदा है बराबर है ए बी बटा बी सी। तो जिहड़ा ए बी का मुल है वह 75 है, तो इसका मतलब है बी सी का मुल भी किन्ना हो गया 75। ये साड़ी जिहड़ी नंबर एक समीकरण साड़ी बन गई। हुण असी देखिए अगली त्रिकोण जिहड़ी है वह है समकोण त्रिकोण ए डी बी। मैं दसदा कित्थे ए डी ते बी, मैं तुहानूं निशानियां भी लगा के दस दिंदा, ए डी ते बी। यह त्रिकोण जिहड़ी सी असी हुण इहदे विच जिहड़ा कम करांगे, क्योंकि त्रिकोण सॉरी कोण 30 डिग्री का है, इसलिए टैन 30 डिग्री बराबर है ए बी बटा बी डी। और टैन 30 का जिहड़ा मुल है वह तुसी जानते ही हो, 1/3 होंगे, 1/3 बराबर है 75, 75 जिहड़ा है बटा बी डी आ गया। अगे देखिए बी डी का मुल 75 वर्ग मूल 3 आ गया, लेकिन जिहड़ा बी डी है वह कि बराबर है, वह बी सी ते सी डी के बराबर है। तो बचो जिहड़ा बी सी ते जिहड़ा सी डी असी हुणे कढ के हटे सी उहदा मुल एक्स है, तो 75 जमा एक्स आ गया, तो 75 जमा एक्स तो बाद बराबर है 75 वर्ग मूल 3, तो एक्स का बराबर है 75 वर्ग मूल 3। तो उहदे विचों असी 75 नूं माइनस करांगे, एड 75 दूसरे पासे जाएगा। हुण बचो अहीं असी की करना है, इन्हां दोनों नूं जिहड़ा है कॉमन लेना है 75 नूं, ये तुसीं करदे आए हो।
ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਮਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਮਾਈਨਸ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 75। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ CD, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ CD। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ ਹੈ CD। ਅਤੇ CD ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ X ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 75 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਮਾਈਨਸ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ।